All right, breaking news coming in from West Bengal, where ruling Trinamool Congress Minister Manjul Krishna Thakur has quit the TMC and the ministry and has in fact joined the BJP. He holds the refugee relief and rehabilitation portfolio in Chief Minister Mamata Banerjee's cabinet and has joined the Bharatiya Janata Party along with his son and panchayat functionary Subroto Thakur. This is the big news coming in from Kolkata. At this point in time, we have Manogya Loiwal joining us on the phone line for more on the story. Manogya? Well, Avaral, yes, it's one of the biggest breakthroughs for BJP when a sitting minister has quit not only his ministry but also the party with his son. And this family hails from a refugee background and it is extremely influential as far as their Bonga seat is concerned. Also, given the fact Manogya, I'll have to interrupt you there. Satish Upadhyay, the Delhi BJP chief, is addressing a press conference in the capital. लोगों के आवेदन लोग पार्टी में लगातार ज्वाइन करना चाहते हैं. भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली और जिस प्रकार से देश में एक परिवर्तन महसूस किया जा रहा है, लोगों का विश्वास जिस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है, लोगों को लगता है कि वास्तव में अब भारत के अंदर परिवर्तन होगा, परिवर्तन महसूस कर रहे हैं. और उसी परिवर्तन को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी में और दिल्ली प्रदेश में कुछ लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, श्री शकील अंजुम दहलवी जी, जिनके पिता श्री अनवर दहलवी पूर्व जनसंघ काल में पार्षद थे, मटिया महल से शोएब इकबाल के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं. आपका पार्टी में स्वागत है. इन्हीं के साथ श्री इशरत अली अंसारी, आप आपातकाल में 19 महीने तक जेल में रहे, गंभीर सामाजिक कार्य अल्पसंख्यक समुदाय में आपने किया है, कृष्णनगर से आपने भी पहले पूर्व में चुनाव लड़ा है और वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका भी स्वागत है. आम आदमी पार्टी के चुनाव पर बल्ली मारन से आपने चुनाव लड़ा था. ऐसी सुश्री फराना अंजुम जी, पुरानी दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं के बीच चेतना का कार्य आप करती नहीं है, तमाम तरह के मुस्लिम महिलाओं के बीच में सामाजिक काम आप करती रही हैं. बल्ली मारन से 2013 में आपने चुनाव लड़ा था और आपको 13,000 वोट इस चुनाव में मिले थे. भारतीय जनता पार्टी में आज वो शामिल हो रही है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. श्री राजेश यादव, कांग्रेस के पूर्व पार्षद, लगातार गत 30 वर्षों से प्रीतमपुरा क्षेत्र में वो काम करते रहे राजनीतिक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में और आज आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देख करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं. मांगेराम तेवतिया, प्रदेश अध्यक्ष जाट आरक्षण संघर्ष समिति, रिटायर्ड डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एमसीडी, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है. राजकुमार गर्ग, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और यमुना पार में तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक गतियों में आप करते रहते हैं, उसमें उनकी सक्रियता रहती है, वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका स्वागत है. श्री राकेश मेहता, एक्स कमोडोर इंडियन नेवी, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, वो भी आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी पार्टी में एक बार खड़े होकर के आपका भी पार्टी में बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है. अशफाक हुसैन नकवी साहब, आप भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, काफी अच्छे तादाद में हमारी जो दिल्ली 6 है वहां से दिल्ली जो वास्तविक दिल्ली जो पहले होती थी उसमें से जिस तरीके का एक कॉन्फिडेंस, जिस तरीके का एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप सबने दिखाया है, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं. एक बार पटका दीजिए सबका.
सर क्या ना इंजरी भी नहीं होना सर।